भारत तक अब नए अंदाज में। एमबीटी अर्जुन MK-1 टैंक, नाम बहुत सुना होगा, काम बहुत देखा होगा, लेकिन दावा है हम जो दिखा रहे हैं इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आज आप देखेंगे एमबीटी अर्जुन MK-1 टैंक के अंदर की तस्वीरें, यानी कि एक टैंक अंदर से कैसे दिखता है ये पहली बार भारत तक आपको दिखाएगा। इस टैंक के अंदर एक बार में 4 लोगों की तैनाती होती है, एक ड्राइवर, एक गनर, एक लोडर और एक कमांडिंग ऑफिसर। गनर मेन सेट है, इसके डे एंड नाइट दोनों दिन दोनों साइड से फोकस करके 4 किलोमीटर तक हम विजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके थ्रू हमने फायर भी कर सकते हैं। ये LRF है, उसका फोकसिंग सिस्टम चीज है, एकदम क्वालिटी में। इस टैंक की सबसे खासियत ये बताई गई कि इस टैंक को चंद दिनों की ट्रेनिंग के बाद न सिर्फ ऑपरेट करना बल्कि इसके सहारे हमला भी करना इंसान बहुत आसानी से सीख सकता है। मैं कैसा तर्क, लेकिन इज इट वेरी इजी और हार्ड? मेंटेनेंस भी कम है, एकदम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं कोई भी। एनीबॉडी अगर 10 डेज या 15 डेज इसको ट्रेनिंग लोगे, इसको एनीबॉडी आदमी आराम से एकदम हैंडलिंग कर सकता है। में स्टीयरिंग पे जैसा कुछ नहीं, दिखने पे तो जॉयस्टिक जैसा है। इसी तरह ये मूवमेंट करते हैं, ये लेफ्ट, ये ऊपर नीचे, इसी तरह उधर भी है, उस साइड। जैसे अपना एयरक्राफ्ट को गन ऑपरेट करने के लिए इसी तरह जॉयस्टिक भी है, उस तरफ भी है। वहीं इस टैंक के अंदर हमें दिखाई दिया हथियार रखने की जगह, जहां एमबीटी अर्जुन MK-1 टैंक में एक साथ कई हथियार लोड करके कई राउंड की फायरिंग को अंजाम दिया जा सकता है और दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे या कुछ ज्यादा ही जागरूक किस्म के दर्शक ये कहेंगे कि भाई सारी चीजें दुश्मनों को दिखा दो, तो जनाब हम कहेंगे जरा ठहरिए, क्योंकि ये तस्वीरें हैं एक एग्जीब्यूशन की जिसे आर्मर्ड व्हीकल निगम करवा रहा है। सबसे पहले हम इस बात का खुशी हूँ, ये हमारे देश ने बनाया टैंक है और इसमें मोबिलिटी, फायर पावर, बस राउंड हिट बिल्कुल एक्यूरेट है, बस राउंड हिट है और क्रू का बिल्कुल सेफ है और इसमें मार्क, इससे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके Mk-2 Alpha हमने बनाया। उसमें RWC, पहले हम जो ऑपरेटर बाहर खड़ा होकर फायर करता था एयरक्राफ्ट का वगैरह, अभी हम अंदर बैठ के मॉनिटर से देख के फायर करते हैं। और अभी इंडिया ने बनाया था, ये बेल्जियम के ICPS अभी इंडिया ने बनाया, वो सबसे अच्छा वो है, हम उसमें ट्रेनिंग किया हुआ है, हमारे को बहुत अच्छा लगा। इंटीग्रेटेड कमांडिंग पैनामेंट सेट और 360 डिग्री घुमागा, अगर गनर इधर देख रहे तो उसमें पीछे से आ रहा है, अगर कमांडर देख ले साइड से और कमांडर उसमें ओवरराइड करके फायर कर, ओवरराइड करेगा गनर का कंट्रोल से, गन अट जाकर कमांडर के पास आएगा, एकदम कमांडर का हैंडल में आएगा पूरा पावर। और इसमें LWC फिट किया हुआ है, लेसर वार्निंग सिस्टम, हमारे टैंक में कोई फायर कर रहा है तो टक उस साइड में स्मोक मोटर है वो फायर हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, हम उसी जगह काली करके जाएगा। ये सब पूरा सेफ्टी, क्रू सेफ्टी के लिए है? हाँ, क्रू और टैंक के लिए है। और दूसरा अभी इसमें मिसाइल फायर भी है, Mk-1 में है नहीं फिलहाल, Mk-1 Alpha में मिसाइल फायर का भी है, वो भी लेकर आए, T-90 जैसा मिसाइल फायर रहा, एंटी टैंक मिसाइल फायर। इस दौरान अर्जुन MK-1 टैंक T-90, T-70 टैंक के साथ साथ कई हथियार प्रणालियों को भी जनता को दिखाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किया गया। प्रमोद माधव, भारत तक।